वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। सो फाइनली आज आप फोक आर्ट का टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। होप सो कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट अच्छे से इजीली समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के टू टू अलग अलग क्लासेस लिए थे। ग्राफिक आर्ट के कम्प्लीट क्लासेस हुए। आज आप लोक कला के बारे में जानने की कोशिश करें कि बेसिकली ये लोक कला क्या होता है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में बेसिकली इनको फोक आर्ट के नेम से जानते हैं। किस नेम से? फोक आर्ट। तो ये लोक कला क्या होती है? इंडिया में इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, सभी जगह की अलग अलग लोक कलाएं हैं। मैंने कुछ स्क्रीन पे मेंशन किए हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से पेंटिंग है। ये मधुबनी है, दीसबन, ये आपकी है कलमकारी, ये फुलकारी है, और ये आपका नाथद्वार पोर्टल ऑफ गॉड, ऑल्सो इंक्लूडेड नाथद्वार की पेंटिंग है। और वर्ली आर्ट कहाँ गए? वर्ली आर्ट दीसबन। वर्ली आर्ट की मैंने टू और थ्री अलग अलग पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश की। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल वर्ली का मुझे पिक्चर्स अच्छा लगा था। ठीक है, तो ये सारे आपके फोक एंड ट्राइबल आर्ट हैं, बेसिकली फोक आर्ट इंक्लूडेड ही है। तो कम्प्लीटली इनके बारे में आज क्लासेस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, ओके, चले सभी लोग ज्वाइन कर लिए। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आपको क्रैक करना है, दिसंबर नॉट दिसंबर जून 2024 जेआरएफ की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, स्पेशली जेआरएफ स्टूडेंट के लिए मैंने एक क्विक रिविजन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल इन डेप्थ एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो डे फर्स्ट आज आपकी फर्स्ट क्लासेस होंगी रात 9 बजे। एवरी डे डेली रात 9 बजे क्लासेस हुआ करेंगे। तो जितने भी जेआरएफ नेट जेआरएफ के स्टूडेंट है सभी लोग इन क्लास को अटेंड कीजिएगा। ओके, एंड द सेकेंडरी जिनको भी फ्यूचर में ड्राइंग टीचर बनना है या फिर मेरे बैच से कनेक्टेड होना है, तो एवरी कोर्सेज पर अभी 30% ऑफ चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, DSSSB टीजीटी पीजीटी, KVS, NVS, LT ग्रेड, EMRS, RPSC, DSSSB, NDPSC, UGC, नेट जेआरएफ, चंडीगढ़, असम, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, अगर आपको ड्राइंग टीचर गवर्नमेंट जॉब की नीड है तो आप मेरे इस बैच से ज्वाइन होकर के बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, साथ के साथ आपको एवरी टॉपिक जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे उनके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट में से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें और सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। ओके, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन किया गया है लोक कला का। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बेसिकली मधुबनी इज जहाँ पर नेचुरल पेंटिंग्स, नेचुरल कलर्स को यूज करके क्रिएटिविटी को इनहेंस किया जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मधुबनी, ऑल्दो यू नो अबाउट इट, बिहार के कौन से प्लेस का? जितवनपुर। ओके, नेक्स्ट वन, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? तो जमुना देवी बेसिकली इंक्लूडेड द फॉर्म ऑफ मधुबनी, मधुबनी से संबंधित है। वर्ली लोक कला शैली, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, फिर असम से। देखिए हर एक एग्जाम में यहाँ से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन तो 100% देखने को आपको मिलेंगे। वर्ली लोक चित्रकारी किससे कनेक्ट हो रही है? वर्ली है महाराष्ट्र की लोक कला। ठीक है, वर्ली आर्ट कैसी है? तो प्यारी सी पेंटिंग इस तरह से बनाई जाती है, ट्रायंगल शेप में, ऐसे वाली वर्ली आर्ट है। ठीक है, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य की है, ये किस प्लेस की है? तो सिमिलर सेम क्वेश्चन, उन्हीं को इनहेंस कर दिया गया है, महाराष्ट्र की है। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन थी? वन पॉइंट इज वेरी मैंडेटरी, पानी के ऊपर इन्होंने रंगोली बनाया है, मतलब सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। अमृता शेगिल, अर्पिता सिंह, वंदना देवी, नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो पानी के ऊपर जो रंगोली बनाने वाली आर्टिस्ट है उनका नाम था वंदना देवी जोशी, वंदना जोशी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास स्थित पैठन नामक गांव में किस पटचित्र के लिए प्रसिद्ध रही है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ज्यादा से ज्यादा वर्क हुआ है चित्रकाथी में, चित्रकाथी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
कलोटी लोक कला का प्रचलन किस देश से था? महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब, बंगाल से या फिर राजस्थान से? कलोटी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन के। सभी लोग ज्वाइंट हो गए सेशन को, सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, कैंसिल कर रहे हैं एवरीवन। कलोटी कहाँ की है? महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल या फिर राजस्थान? ध्यान रखिएगा जो कलोटी है ये कहाँ की लोक कला है? गुजरात की, ठीक है, गुजरात। बंगाल का कालीघाट सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों था? पट चित्रों के लिए, लघु चित्रों के लिए, अलंकारिक चित्र या फिर बाजारू चित्र? बंगाल का जो कालीघाट है बेसिकली फेमस फॉर पट पेंटिंग या फिर पट चित्र, जो भी कह लें। राजस्थान में पट चित्र परंपरागत, राजस्थान में पट चित्र पर पट पेंटिंग जो होती है वो परंपरागत उदयपुर के पास स्थित भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक परिवार की, जोशी परिवार की, पार्वती जोशी बहुत फेमस है ना। बेसिकली स्क्रॉल टाइप में पेंटिंग्स होता है, वीर गाथाओं की स्टोरीज को क्रिएट किया जाता है। तो ये क्या है? पापू जी हटपू जी का चित्र तो दूसरा होता है, ये है पट चित्र, ठीक है। पापू जी और हटपू जी का पट पेंटिंग कहाँ का बनाते थे? तो ये राजस्थान के चितेरे लोग बनाते थे। बिहार में प्रचलित लोक कला का स्वरूप है सोन रखना, अल्पना, अहपन या फिर अपना? बिहार का अपन तो उत्तराखंड का है ना, अपना कितने स्टूडेंट, अल्पना बंगाल का है, अल्पना कहाँ का है? बंगाल का है। अपन कहाँ का है? उत्तराखंड का है। आपको बिहार का बताना है, बताइए। देखिए अल्पना बंगाल का है, एपड़ करके, उत्तराखंड का एपड़ है, एपड़ करके है, ठीक है। और आपका एपन जो है ये है बिहार का, ध्यान रखिएगा एपन बिहार का है, ठीक है, एपन है बिहार का। अपना लोक कला कहाँ का है? अपना अल्मोड़ा गढ़वाल का है, मधुबनी या मिथिला का है, अवध या फिर पूर्वांचल का है, मालवा या उत्तराखंड? बुलंदशहर, बुंदेलखंड, नॉट बुलंदशहर। बताइए आपना कहाँ की लोक कला है? तो आपना इज ए वेरी पॉपुलर फ्रॉम अल्मोड़ा गढ़वाल। सोन रखना तथा चौक पुरना, तो सोन रखना, चौक पुरना में सोन रख दो, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोकेटेड एरिया का है, पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल। तो ये है उत्तर प्रदेश का। चौकपुरना लोक कला में किस रंगों का प्रयोग किया जाता था? लाल, पीले व हरे, सफेद, काले व बताइए। चौकपुरना लोक कला में किस रंगों का प्रयोग किया जाता था? लाल, पीले व हरे रंगों का, सफेद, काले व नीले, सोना, चांदी व लोहा, उपयुक्त में से सभी? तो मोस्टली चौकपुरना में जो कलर्स यूज किए गए वो लाल, पीले और हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में मांडना के लिए किन रंगों के प्रयोग में लाए गए थे, कौन से कलर्स को? तो राजस्थान में जो मांडना बनाया जाता है, मांडना क्या होता है, इस तरह से डिजाइनिंग होती है, सर्कल, सर्कल में खूब सारा सर्कल होता है, छोटी छोटी सी माइनर माइनर से पूरी डिजाइनिंग से फिल फिल रहता है। तो इस तरह की कला में गेरू रंग भी यूज किया जाता था, खड़िया भी, ए एंड बी बहुत दोनों सही हो जाएगा। कलमकारी लोक कला का प्रचलन किससे था? कलमकारी बेसिकली आंध्र प्रदेश की फेमस है, तो ये कहाँ की लोक कला है? मछलीपट्टन की, सूरत की, भरोच की, अहमदाबाद की? तो ध्यान रखिएगा कलमकारी इज वेरी पॉपुलर फ्रॉम मछलीपट्टन। शुंगकालीन सांची के स्वर्ण द्वारों पर अंकित जातक कथाओं में किस कला परंपरा का बोध होता है?
शुंग काले। तो शुंग आर्ट जो है, शुंग काल कौन सा है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, चंदेल, सब कुछ हमने आपको मूर्ति कला और स्थापत्य कला के सेक्शन में पढ़ा रखा है। तो वही सॉरी, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वारों पे जो काम हुआ है, अंकित किए गए थे, वो कौन से डिजाइनिंग थे? मौर्य कालीन, शुंगकालीन या मथुरा? तो शुंगकालीन बेसिकली जो वॉल्स वगैरह पे काम हुआ है, वो लोक कलाओं को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से था? कलमकारी इज अ वेरी पॉपुलर फोक आर्ट फ्रॉम मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश की लोक कला है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी के फट नामक चित्र की चित्रकारी की जाती थी? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? क्विकली आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार के कपड़े पर बाबूजी के फट चित्र को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक परिवार के पार्वती जोशी फेमस है ना, फट बेसिकली संबंधित है, किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला से, ना तो आलेखन ना ही मुगल पहाड़ी, बेसिकली राजस्थान की लोक कला है ना फट पेंटिंग। लोक कला चित्रों का बेसिकली मीडियम क्या था? पेस्टल कलर्स, क्रेलिक कलर्स, बोन मिले मिट्टी के रंग या फिर तैल रंग? लोक कला चित्रों का जो माध्यम था, मीडियम, वो क्या था? गोंद लगे, गोंद मिलाए हुए मिट्टी के रंग। ठीक है, रंगोली मुख्य रूप से कहाँ की लोक कला है? कैनवस, जमीन। लोक कला रंगोली तो महाराष्ट्र की है। बनाई कहाँ जाती थी? कैनवस पर, जमीन पर, दीवार पर या फिर कागज पर? तो रंगोली बेसिकली हम लोग कहाँ बना रहे होते हैं? सरफेस, जमीन पर ही तो कैप्चर करते हैं, जमीन पर। तो रंगोली टू टाइप्स की होती है, एक गीली होती है, एक सूखी होती है, ड्राई एंड वेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? मांडना किस प्रदेश की लोक कला है? मांडना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो मांडना आपकी है राजस्थान की। चौकपुरना लोक कला प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो चौकपुरना इज ए फॉर्म ऑफ वेयर द फेस इन सनमिति है ना, उत्तर प्रदेश। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मांडना या फिर अघोरी? ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में आपको देखने को मिलेगा? ज्यामितीय रूपाकारों का, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स किस में ऑब्जर्व करते हैं? सांझी में, अल्पना में, मांडना में या फिर अघोरी? कितने लोगों को लगता है कि सांझी में ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं? अल्पना में होते थे ना, बताइए। देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप जो होते थे वो अल्पना में होते थे। साझी कला किस पर बनाई जाती थी? तो मोस्टली साझी कला जमीन पर, भूमि पर भी बनाई जाती थी, दीवारों पर भी, पानियों में भी, बहुत जगह बनाई गई है। बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फुलकारी क्या है? फुलकारी इज ए वेरी पॉपुलर फोक आर्ट फ्रॉम विच प्लेस, कहाँ की है? पंजाब की लोक कला है। साझी लोक कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? राकेश गोस्वामी, बी एन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी? साझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार कहे जाएंगे कौन? कितने लोगों को लगता है सौरभ गोस्वामी हो जाने चाहिए? बी, ए और बी को चलिए मैंने मैनिपुलेट कर दिया, सी और डी में आंसर कीजिए। सी सही होगा फिर डी। कितने स्टूडेंट को सी लगता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी नहीं है बेटा, डी है, सौरभ गोस्वामी। ठीक है, सौरभ गोस्वामी। अगला देखिएगा, वह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साझी कलाकार जिन्होंने 26 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा कटवर्क साझी
सैंड लेयर बनाया, सैंड लेयर, ठीक है, सैंड लेयर्स बनाया, जिसे लंदन में प्रदर्शित किया गया था, किसने, सौरभ गोस्वामी, लोक कुमार स्वामी, राम स्वामी या फिर चंदन दास गोस्वामी? राम स्वामी। किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सांझी आर्टिस्ट, लोक कुमार सोनी, आनंद सोनी, रामजीत सिंह या फिर श्याम परवार परमार? कितने लोगों को लगता है लोक कुमार सोनी, क्विकली बताइए। ठीक है, जिनको लव कुमार सोनी लगता है उन्होंने अपना आंसर करेक्ट बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? गौरी देवी, सुनैना देवी, रेखा देवी या फिर सुचिता देवी? शांति निकेतन में अल्पना की जो जननी है वो किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गौरी देवी को माना जाता है, नॉट सुनैना देवी, क्योंकि सुनैना देवी तो ये प्रथम कलाकार हो गई ना, फीमेल आर्टिस्ट। कुहबर, निम्नलिखित में से कुहबर कला के पुनर्जीवन के लिए प्रयासरत कला इतिहासकार कौन थे? अभिनय गुप्ता, रतन या फिर राकेश गोस्वामी? कुहबर कला के पुनर्जीवन के प्रयासरत के कला इतिहासकार, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। राकेश गोस्वामी। बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए, धातु मूर्तियों के लिए, लकड़ी या फिर पत्थर? तो बस्तर छत्तीसगढ़ के लिए फेमस है मीरा मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, मोस्टली इन्होंने धातु मूर्तियां बनाई थी। डोगरा और बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कौन है? दुनिया भर में प्रसिद्ध है बस्तर डोगरा कास्टिंग के लिए, बस्तर वुड क्राफ्ट के प्रयुक्त तो होते थे। तो बस्तर जो है वो बांस, वुडन क्राफ्ट बनाए जाते थे, किससे, हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक, बांस से। बस्तर वुडन क्राफ्ट प्रदर्शित किए जाते थे कहाँ पर? जहांगीर आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, बस्तर आर्ट गैलरी या फिर दरबार हॉल गैलरी? दरबार हॉल आर्ट गैलरी में। वॉलनट वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? वॉलनट वुड कार्विंग के लिए बताइए। वॉलनट वुड कार्विंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर में पेपर मैशी प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था? मीर कासिम ने, मीर सैयद अली हमदानी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर बाबा फरीद ने? मीर सैयद अली हमदानी ने। सूती धागे से बने टेरी टावेर, टेरी तौलिया निर्मित किया गया था सीतापुर, लखनपुर, शोलापुर, वाराणसी? कितने लोगों को लगता है शोलापुर हो जाना चाहिए? शोलापुर जिन्होंने आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। खुर्जा के मिट्टी के बर्तनों की कला को लाने वाले कला व्यक्ति कौन थे? अफगानी राजा तैमूरलंग, मुगल सम्राट जहांगीर, सेठ गंगाराम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अफगानी राजा तैमूरलंग। मौलेला राजस्थान की बेसिकली फेमस है, ये क्या है? तो ये एक तरह का टेराकोटा शिल्प है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा भी आपको बता देती हूँ। मौलेला राजस्थान की है, ठीक है। यूपी का क्या है? यूपी का है गोरखपुर, यूपी में गोरखपुर फेमस है टेराकोटा के लिए, मौलेला राजस्थान में फेमस है, और एमपी में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बस्तर, ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। पॉटरी मेकिंग कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन है?
एपी शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, वैद्यनाथ सरस्वती या फिर डॉक्टर चार्ल्स एस फाबरी। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, वैद्यनाथ सरस्वती। एंड द नेक्स्ट वन, सहारनपुर वाई वेरी पॉपुलर। तो सहारनपुर क्यों फेमस था, लकड़ी के कार्य के लिए, धातु पीतल की नगरी कहा जाता है या फिर चिकनकारी। तो सहारनपुर इज बेसिकली फेमस फॉर, इनको पीतल की नगरी कहा जाता है ना, सॉरी पीतल की नगरी तो आपका निजामाबाद है, रियली सॉरी। सहारनपुर बेसिकली वुडन क्राफ्ट के लिए फेमस है, पीतल की नगरी तो निजामाबाद है। घोड़े की मृण मूर्ति फेमस रही थी, घोड़े की मृण मूर्तियां, बांकुरा पश्चिम बंगाल। सो फाइनली आज आपका लोक कला कवर हो गया। कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में, तो अच्छे से इन टॉपिक को थ्योरी पढ़कर आइएगा, हमसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। अभी आपकी 7 बजे क्लास होंगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए आप लोग, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। 7 बजे आपकी कलाकार टॉपिक है कलाकार। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।